सांवरिया को कारी रे, जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी जी, जिनके पीछे नरसी डोले बन के प्रेम पुजारी रे। आहा, गारी किसको ज्यादा दी जाती ब्याह में? जो मुखिया होता ना उसको गारी ज्यादा मिलती है। मुखिया तो ठाकुर जी हैं, इसलिए ठाकुर जी को ही गारी मिल रही है। जनमत ही चोरी से भागे, झुकी रेन अंधियारी जी, जनमत ही चोरी से भागे, झुकी रेन अंधियारी जी, करत फिरे माखन की चोरी, घर घर खोल की वारी रे। गावो बहिना सब ही मिल के सांवरिया को गारी जे, गावो बहिना सब मिल सांवरिया को गारी रे। ग्वाल बाल की जूठन खाई, ओढ़े कामरी कारी जी, ग्वाल बाल की जूठन खाई, ओढ़े कामर कारी रे। छाछ पिला के नाच नचाई, गोपन की घरवारी जी, छाछ पिला कर नाच नचाई, गोपन की घरवाली रे। ब्रज में चीर चुराय बढ़ाए, द्रुपद सुता की सारी जी, ब्रज में चीर चुराय बढ़ाए, द्रुपद सुता की सारी रे। परी परी पाय मनावत जब मोह फेरती राधा प्यारी जी, परी पर पाय मनावत जब मोह फेरती राधा रानी रे। जब श्री जी मान कर जाती हैं तो तुमको चरणों में पढ़ के मनाना पड़ता है। गोरे गोरे मात पिता फिर आप भय कस कारे जी, गोरे गोरे मात पिता आप भय कस कारे रे। माता पिता अनेकों इनके कहें भी सम ब्रह्मचारी जे, माता पिता अनेकों इनके कहें भी सम ब्रह्मचारी रे। गावो बहिना सब ही मिल के सांवरिया को गारी जे, गावो बहिना सब ही मिल के सांवरिया को गारी रे। यादव कुल की लाज गवाए, करी कुबजा से यारी जे, यादव कुल की लाज गमाए, करी कुबजा से यारी जे। हरि के लाए सगी बुआ की कन्या कवि कुमारी जे, हरि के लाए सगी बुआ की कन्या लई कुमारी। और कैसे हैं सावल साह जी आप? न्योता दे के बहन भगाए,
संग अर्जुन धनुधारी जी। न्योता दे के बहन भगाए संग अर्जुन धनुधारी। सुभद्रा का हरण अर्जुन के द्वारा ठाकुर जी ने जानकर करवाया है। हाँ, न्योता दे के बहन भगाए संग अर्जुन धनुधारी जे। न्योता दे के बहन भगाए संग अर्जुन धनुधारी रे। जाकी एक सौत बन बैठी पांच पुरुष की नारी जी। जाकी एक सौत बन बैठी पांच पुरुष की नारी जी। हाँ, ये बड़नगर, बड़नगर है कच्छ में। सुनी बड़नगर कारी नट नागर हसत देत कर तारी जे। सुनी बड़ नगर नागारी नट नागर हसत देत कर तारी जे। ठाकुर जी ताली बजा के हंस रहे हैं गारी सुन सुन करके। नरसी और सांवरे प्रभु पे नारायण बलिहारी जे। नरसी और सांवरे प्रभु नारायण बलिहारी जे। बड़े हर्षोल्लास से विवाह संपन्न हुआ और बारात लौट करके जूनागढ़ आ गई। क्या कहना, मदन राय जी ने खूब दहेज भी दिया है, लेकिन ठाकुर का इतना दिया है नरसी के पास कि अब कोई अभाव नरसी जी के पास नहीं है। लेकिन नरसी जी इतने उदार हैं, वो ठीक उस सिद्धांत का पालन करने वाले हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। ये उलीचने वाले थोड़े ही थे, तो उलट देने वाले थे। कहां तक उलीचेंगे। हाँ, खूब चकाचक खर्च करके आप अपनी स्थिति में जल्दी लौट के आ जाते। इतना खर्च करते कि अपनी पुरानी स्थिति में जल्दी लौट के आ जाएं। एक दिन की बात है, अभी विवाह के कुछ वर्ष ही हुए थे। मदन राय की बेटी अनुभव कर रही है कि मैं तो जीते जी वैकुंठ में आ गई। सब कैसा परिवार रहा होगा हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं, वाणी से उसको कह नहीं सकते हैं। एक दिन की बात है, सहज भाव से ही सांवल दास के शरीर में ज्वर का प्रकोप हुआ और हरिनाम संकीर्तन घर में हो रहा था। इसी बीच में पिताजी को याद किया और कहा, पिताजी अब ठाकुर जी बुला रहे हैं। और भगवत स्मरण पूर्वक नरसी जी के पुत्र ने देह का त्याग कर दिया। एक ही लड़का, युवा पुत्र, पत्नी पहले चली गई, बेटी भात भरने के बाद ही लौट के आ गई। एक बेटी ने ब्याह ही नहीं किया और एक बेटा था वो भी चल बसा। संसार में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। नरसी जी को बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। नरसी जी ने करताल अपनी फेंट से खोली और नाचने लगे। सुख भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, बेटा गया ठाकुर जी के पास, अपने प्रेम से भजन करेंगे। अब बेटा होए, फिर बेटा का बेटा होए, फिर पोता हो पोती हो, इसी चक्कर में पड़े रह जाते। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने दुकान ही बंद कर दी गृहस्थ आश्रम की। महाराज जी, ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सांवल दास गोप वेश में थे, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और ठाकुर जी उनको गलवहियां दिए हुए थे।
सांवल दास ने कहा, पिताजी आपके भजन के प्रभाव से मुझे नित्य गोलोक की प्राप्ति हो गई है। मैं ठाकुर के साथ गैया चराता हूँ और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे।